नील आइलैंड, जिसका आज के टाइम नाम है शाहिद द्वीप, एक बहुत ही छोटा और खूबसूरत टापू है अंडमान का। अब यहाँ पहुंचने के बाद हम लोग ने आज बुक करा लिया एक कैब जिसका पड़ा 1500 रुपए पूरे दिन के लिए। आप चाहो तो स्कूटी से भी घूम सकते हो। तो पहले हम लोग पहुंचे भरतपुर बीच, जो वाटर स्पोर्ट्स के लिए बहुत फेमस है और यहाँ का पानी बहुत ज्यादा क्लीन और ट्रांसपेरेंट है, तो मैरीन लाइफ देखने के लिए ये जगह काफी अच्छा है। फिर हम लोग गए लक्ष्मणपुर बीच नंबर 2, जहाँ पर हम लोग ने देखा हजारों साल पहले का पुराना बना हुआ एक नेचुरल ब्रिज जो पहले पानी के अंदर हुआ करता था। फिर धीरे धीरे जब ये सब आइलैंड्स बाहर आए तो ये कुछ आज के टाइम ऐसा दिखता है। साथ में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है बहुत सारी अंडर वाटर स्पीशीज और स्मॉल फिशेस, जिसके बारे में अच्छे से जानने के लिए आप यहाँ पर एक गाइड भी ले सकते हो। फिर हम लोग पहुंचे लक्ष्मणपुर बीच नंबर 1, जो फेमस है सनसेट के लिए, और यहाँ का सनसेट सच में काफी सुंदर है। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग सुबह 4:30 बजे हम लोग निकल पड़े सीतापुर बीच सनराइज देखने के लिए, और ओ माय गॉड, ये मेरे लाइफ का अभी तक का बेस्ट सनराइज था। फिर हम लोग होटल से चेकआउट करके पहुंच गए जेटी पर बैक टू पोर्ट ब्लेयर।